फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे जो 100 की स्पीड से रिकॉर्ड की गई है और टाइम रहेगा 10 मिनट। और अगर यही डिक्टेशन आपको 70, 80 और 90 में की भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से शामिल हुआ करता था, विराम, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था, विराम, भारत पर शासन करने के मकसद यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण और कई से राजाओं द्वारा राज भी किया गया, विराम, पैरा। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है, विराम, और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए, विराम। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वहीं अब भारत को मिला ये दर्जा पूरी तरह खत्म हो चुका है, विराम। इन कारणों से हमारे देश को ये दर्जा मिला हुआ था। उन कारणों के बारे में आज हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे, विराम, पैरा। भारत को ये नाम कई वजहों से मिला हुआ था, विराम। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी, विराम। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीजों को अन्य देशों में लोगों द्वारा खरीदा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी भी काफी अच्छी हुई करती थी, विराम। वहीं भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के अन्य कारणों को नीचे बताया गया है, विराम, जो कि इस प्रकार है, विराम, पैरा। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो मोर सिंहासन था, विराम। इस सिंहासन की अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी, विराम। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था उतने धन में तो ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था, विराम। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था, विराम। आखिर ऐसा क्या खास था इस सिंहासन के बारे में और किसका था ये सिंहासन, इसके बारे में नीचे बताया गया है, विराम, पैरा। मोर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, विराम। इस सिंहासन के निर्माण के लिए शाहजहां ने काफी खर्चा किया था, विराम। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था, विराम। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे, विराम। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन की शान कोहिनूर हीरे ने और बढ़ा दी थी, विराम। ये हीरा भी इस सिंहासन में लगा हुआ था, विराम। वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती थी, जो कि भारत के रुपए के अनुसार 450 करोड़ की है, विराम, पैरा। कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा, विराम। आपको पता ही होगा कि
ये हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद ये हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। विराम। उस समय पूरे विश्व में हर इसे हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। विराम। वहीं कहा जाता है कि ये हीरा 5000 साल पुराना था। विराम। साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। विराम। इतना ही नहीं, टाइम्स मैगजीन ने उनकी फोटो अपनी पत्रिका के कवर पेज पर भी लगाई थी और मैगजीन के मुताबिक उस वक्त उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। विराम। जो कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती थी। विराम। उस्मान अली खान साल 1911 में हैदराबाद के शासक के ने तौर पर गद्दी संभाली थी। विराम। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य उस वक्त हैदराबाद का ही हिस्सा हुआ करते थे। विराम। निजाम की शान और शौकत देखकर उस समय भारत में राज करने वाले ब्रिटिश इंडिया भी हैरान रह गई थी। विराम। कहा जाता है कि उनके पास कई तरह के हीरे हुए करते थे। विराम। निजाम इतने अमीर थे कि उनके पास हीरे की गोल्फ की गेंद हुआ करती थी। विराम। वहीं उस वक्त इस हीरे को दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हीरा नामित किया गया है और इसकी कीमत 10 करोड़ के आसपास बताई जाती है। विराम। इतना ही नहीं, निजाम ने साल 1947 में ब्रिटिश की रानी को उनकी शादी में हीरे का हार तोहफे में दिया था, जिस हार को निजाम ऑफ हैदराबाद के हार के नाम से आज भी जाना जाता है। विराम। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश की मदद से करने के लिए उन्हें 2 लड़ाकू जहाज दिए थे और उनकी इस मदद के लिए उनको साल 1946 में ब्रिटिशों ने सम्मानित भी किया था। विराम। पैरा। उस्मान अली खान के पास अपनी खुद की मुद्रा भी थी जो कि हैदराबाद में चलती थी। विराम। उस मुद्रा को उस्मानिया सिक्का कहा जाता था। विराम। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद उनके शासन के काल में ही खोला गया था। विराम। कहा जाता है कि एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनका मजाक बनाया था और कहा था कि उनकी रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है। इस मजाक का जवाब निजाम ने 50 रॉयल रॉयस खरीदा कर दिया था। विराम। इतना ही नहीं, इन गाड़ियों का प्रयोग वो कूड़ा उठाने के लिए किया करते थे। विराम। पैरा। उस्मान अली खान के शासन के बारे में पढ़कर आपको तो ये अंदाजा लग गया होगा कि उनके पास काफी दौलत हुआ करती थी। विराम। वहीं भारत को सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिलने के पीछे एक कारण उनकी दौलत भी हुआ करती थी। विराम। पैरा। भारत की सकल घरेलू उत्पाद बेशक इस समय ज्यादा खास न हो, मगर कहा जाता है कि 1 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक थी। विराम। इतना ही नहीं, भारत में कई तरह के
कीमती पत्थर भी पाए जाते थे। विराम, इसके अलावा भारत में खूब मात्रा में सोना भी मौजूद हुआ करता था। विराम, लेकिन वक्त के साथ साथ इन सब चीजों में गिरावट आने लगी। विराम पैरा, भारत के महान शासकों ने अपने शासन काल में अपने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका राज्य हमेशा से धनी रहा करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटेन के पूरे राजकोष से भी बड़ी थी। विराम, इसके अलावा भारत में ही सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। विराम समाप्त। तो कैसी रही डिक्टेशन? ये भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी डिक्टेशन लिखवाई थी मैंने। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।